छठ पूजा संपन्न हो गया और अब नियोजित शिक्षकों के लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे राज्यकर्मी के दर्जे के लिए, वो घड़ी काफी करीब आ गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि घड़ी अब काफी नजदीक आ गई है। छठ पूजा के बाद पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का जो दर्जा दिया जाना है उस पर मुहर लग जाएगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में घड़ी काफी करीब आ गई है। आज पूरे भव्यता के साथ बिहार का महापर्व छठ संपन्न हो गया है और उसके बाद अब नियोजित शिक्षक जो लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी, ये बातें भी तय हैं। हम आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने नियमावली फाइनल कर ली है और छठ के बाद यानी आज के बाद कभी भी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस पर मुहर लगा दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा उन्हें पास करनी होगी और शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को 3 मौके देगा, ये बात भी तय है। हालांकि इस पर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज की गई थी, लेकिन ये तय है कि उन्हें परीक्षा देना पड़ेगा और 3 बार में अगर उन्होंने पास नहीं किया तो उनकी नौकरी जाएगी, जैसा कि माना जा रहा है। ये जो तमाम बातें उस नियमावली में शामिल होंगी और ये भी तय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB भी इस परीक्षा को आयोजित करेगी। तो पूरी बात आपको इससे जुड़ी हुई हम बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अब घड़ियां नजदीक आ गई हैं। वो इंतजार की जो घड़ी है, जो सूबे के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक जिसका इंतजार बरसों से कर रहे थे, वो नजदीक आ रही है। हालांकि इधर आपको बताएं कि BPSC शिक्षकों की बहाली हुई है, जिसमें 1,22,000 जो BPSC के शिक्षक बहाल किए गए हैं, तो उनके बराबर अब नियोजित शिक्षकों का वेतन होगा और क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आपको बताएं कि लगभग जो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक जो होगी छठ के बाद पहली बैठक, उसमें इस पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। हम आपको बताएं कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और राज्यकर्मी बनते ही नियोजित शिक्षकों को तमाम तरह के फायदे मिलने लगेंगे। उनका वेतन BPSC से चयनित शिक्षकों के समकक्ष हो जाएगा, साथ ही ट्रांसफर का लाभ भी मिलने लगेगा। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। हम आपको बताएं कि नए नियमावली के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अगले महीने यानी दिसंबर में यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जैसा कि बातें आ रही हैं सामने कि दिसंबर महीने में परीक्षा ले ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा जो है। अगर नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मौके दिए जाएंगे। हालांकि इन 3 मौकों में उन्हें परीक्षा पास कर लेना जरूरी होगा। हम आपको बताएं कि BPSC की जो परीक्षा हुई थी, जो काफी कठिन परीक्षा थी, उसकी तरह ये परीक्षा कठिन भी नहीं होगी, जैसा कि CM नीतीश कुमार ने मन से ही कहा था जब नवनियुक्त BPSC शिक्षकों को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक हल्की परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ली जाएगी। हम आपको बताएं कि अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया तो उसके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है, या परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों ने इसका विरोध जताया था। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि सक्षमता परीक्षा का जो सुझाव था वो सरकार ने नहीं माना, करीब 1 लाख से ज़्यादा जो सुझाव इस बारे में दिए गए थे, तो सक्षमता परीक्षा तो शिक्षकों को देनी होगी, ये तय है। उसके बाद हम आपको बताएं कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों को जो फायदे मिलेंगे उसमें BPSC से नियुक्त शिक्षकों के समान वेतनमान, प्रमोशन में लाभ और अन्य सुविधाएं जो है वो मिलने लग जाएंगी। इसके अलावा उनके पद के आगे विशिष्ट शब्द को भी हटाया जा सकता है, जैसा कि बातें सामने आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने अभी साफ किया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा, जैसा जिला संवर्ग BPSC वालों का है वैसा ही जिला संवर्ग सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का होगा। और अभी हम आपको बताएं कि अभी जो ये नियोजित शिक्षक हैं
कई स्तरों पर वो बहाल हैं, ग्राम पंचायत है, नगर निकाय है, उसके अलावा प्रखंड स्तर पर बहाली है। तो ऐसे तमाम जो है वो जिला संवर्ग में ही अटैच हो जाएंगे, वो जिला संवर्ग से आ जाएंगे। और इसके बाद फायदा ये होगा कि जिला या जिले के बाहर उन्हें ट्रांसफर का लाभ भी मिलेगा। ट्रांसफर का लाभ लेने के लिए लंबे समय से नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, तो राज्यकर्मी का दर्जा पाने के बाद उन्हें जो जिला संवर्ग का पद हो जाएगा जो स्थानांतरणीय होगा, और इन शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंदर स्थानांतरित किया जा सकेगा। तो जो जिस जिले में है उस जिला संवर्ग के होंगे और पूरे जिले में उन्हें कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। उसके अलावा जो बातें सामने आई हैं, शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक के द्वारा जिले के बाहर भी स्थानांतरित किया जाएगा। एक शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं उस पर अब मुहर लगने जा रही है। छठ के बाद जिस तरह से बेसब्री से इंतजार था सूबे के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को, तो वो घड़ी अब काफी करीब आ गई है। और अगली कैबिनेट की बैठक का हालांकि मंगलवार को होती है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इस नई नियमावली पर मुहर लग जाएगी और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।